ऐसा क्यों होता है यार? इसके अंदर एक टॉर्च है, टॉर्च यू कैन सी। कल रात आने टाइम में मतलब ये पूरा पैनल का कैप हो गया और यहाँ पर थोड़ा एक्सीडेंट टाइप हो गया यार। सब वर्कआउट खत्म हो चुका है, अभी 11 बजने वाला है ऑलमोस्ट। आज पेशेंट देख देख के हालत ढीला हो गया है पूरा, थोड़ा साग निकाल दिया, ये मेरा सलाड है, काफ़ी हेल्दी अमाउंट ऑफ सलाड है, और ये रहा मेरा चिकन। सो गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज़ अ न्यू डे एंड आज है ट्यूसडे। जस्ट उठा हूँ, काफ़ी एनर्जेटिक फील आ रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मेडिसिन स्टार्ट किया हूँ मैं क्योंकि मेरा मतलब गला बैठ गया है और दर्द हो रहा है गला, उसके साथ थोड़ा बहुत कफ भी है, कोरोना भी हो सकता है, कुछ पता नहीं। सो एक दो दिन रहूँगा, अगर सबसाइड नहीं किया तो अगेन आई विल बी डूइंग कोरोना टेस्ट। थोड़ा बहुत केसेस तो देखने को मिल रहा है आजकल, आज पर गवर्नमेंट, आज पर न्यूज़, एवरीथिंग, पर हमने अभी तक देखा नहीं हॉस्पिटल सेक्टर में अपने। सो दैट्स इट गाइस, अभी उठा हूँ जस्ट क्योंकि कल नाइट था और आई हैव ए पार्सल, उसको ओपन करते हैं। ये भी मैंने हेल्थ एक्सपी से मंगाया है एक्चुअली, पर ऐसे क्यों किया गया है, मतलब ऐसे कवर क्यों है पता नहीं, क्योंकि काफ़ी कुछ मिटा दिया गया है इससे। सो काफ़ी सस्पिशियस लग रहा है, देखते हैं। मतलब ये तो नहीं है, ये क्या है? D28, दिस इज D28, यहाँ लिखा है D28 नॉट 68, हमारा अगर D68 है, आई हैव टू कॉल हिम बैक वन सेक। अरे यार केस हो गया, ये मेरा पार्सल नहीं है, मैंने तो खोल लिया और इसके लिए पेमेंट भी कर लिया है, सो आई हैव टू कॉल द गाय, लेट्स होप फॉर द बेस्ट वो रिसीव करे। यार फालतू का टेंशन हो गया पूरा, लेट मी कॉल हिम। द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी, प्लीज ट्राई लेटर। N3 अभी एक्चुअली वो बोला को ऑफिस को जाने को, ऑफिस को जाऊंगा कभी टाइम मिलेगा तो आज रात तक या फिर कल सुबह तक। अभी के लिए हेल्थ एक्सपी में मैं कंप्लेंट रजिस्टर कर रहा हूँ, सो होपफुली जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए और मुझे अपना सामान मिल जाए। तो अभी के लिए वैसा मन को दुखी नहीं करते हैं, जिम चलते हैं, जिम में वर्कआउट करूँगा और इसको इसके बारे में सोचूंगा क्या करता है। सो मैंने अभी मेल लिख लिया है, सो अच्छे से लिखा हूँ, अच्छे से बात भी किया उनके आदमी से, वो बोले हैं दे विल लुक इनटू इट एंड दे विल लेट मी नो, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई गेट माई स्टफ बैक। एक्चुअली वो प्री वर्कआउट था, अभी मुझे प्री वर्कआउट चाहिए था, वो नॉन स्टिमुलेंट वाला प्री वर्कआउट था, पंप वाला, पर आज काम चलाना पड़ेगा फैट बर्नर से, कोई नहीं, लेट्स गो। सो इन द जिम नाउ, थोड़ा कार्डियो करके चेस्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा। तो वर्कआउट इज डन, आगे चलते हैं घर, घर जाकर थोड़ा कुछ काम है, चापा के पास भी जाना है, तो काफ़ी टायर्ड यहाँ पर हमारा बाइक। ये देखो मेरा कल रात आने टाइम में मतलब ये पूरा पैनल का गैप हो गया और यहाँ पर थोड़ा एक्सीडेंट टाइप हो गया यार, ये रहा जोर का एक्सीडेंट लग रहा है, देखता है ये पूरा साइड से निकल गया है, इसको रिपेयर करना पड़ेगा फिर से जाके, क्या यार बहुत काम धंधा है, फिर भी इसीलिए आज मैं बाइक से जाऊंगा, बाइक को वार्म अप में लगा देते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना डे, ड्यूटी के लिए निकलते हैं फिर। सो GoPro भी सेट हो गया और मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी चलते हैं हॉस्पिटल, आज होल डे शिफ्ट है, रात को आके जिम जाऊंगा लेट नाइट। ये जो नया जिम मैं ज्वाइन किया हूँ ये 12-1 बजे तक खुला रहता है रात को, सो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। वैसे भी कल सुबह भी मेरा मॉर्निंग शिफ्ट है, तो अभी के लिए मैं कार भी रिपेयर नहीं कर सकता, अगर कार रिपेयर नहीं करूँगा तो चलाने का मन नहीं करेगा। सो अभी के लिए लेट्स गो टू ड्यूटी, दिन क्या शुरुआत करते हैं, दिन का शुरुआत होता है लो फ्यूल इंडिकेटर से। अरे यार
110 किलोमीटर का रेंज है फिर भी लो फ्यूल क्यों दिखाता है ये, मतलब 120 के आसपास का रेंज है, 120 का नीचे जाने के बाद ही वो लो फ्यूल इंडिकेटर दिखाना स्टार्ट हो जाता है। कोई नहीं, वैसे आज मुझे काफ़ी टायर्ड लग रहा है, कल दिन भर इधर उधर चल रहा था हमारा प्लान, तो आज मतलब पूरा अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कंफर्टेबल नहीं लग रहा जैसा लगना चाहिए मुझको नॉर्मली। फिर भी 8:20 हो चुका है और हॉस्पिटल पर निकल गया हूँ, बिकॉज वर्क इज़ वर्क, वी हैव टू बी वर्किंग। बाइक का ये फ़ायदा है, इधर से भी कहाँ से भी काट के ले जाओ, और आज वैसे देखा जाए तो काफ़ी कम ट्रैफिक लग रहा है, वरना इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा होता है। एक्चुअली 8:30 हुआ है, 9 बजे के बाद बढ़ जाएगा पूरा ट्रैफिक अच्छे से। वैसे टू बी ऑनेस्ट, बाइक में जाने का एक अलग ही मज़ा है, मतलब मज़ा आता है, लाइक एड्रेनलिन रश होता है, और ये बाइक में तो काफ़ी मज़ा आता है मुझे, लाइक मैं हम्स में रुकता नहीं हूँ, उछल के चला जाता हूँ, मतलब एड्रेनलिन रश टाइप फील आता है सुबह वैसे भी, और अभी जैसे कि मौसम थोड़ा कम गर्मी है, धूप इतना अच्छे से निकला नहीं है, तो आई एम हैविंग क्वाइट फन, मज़ा आता है बाइक में। और अभी धूप नहीं निकला, आने के टाइम में तो रात हो गया होगा और भी अच्छा, सो आई वोंट बी हैविंग एनी ट्रबल। वैसे पता नहीं इतना हवा क्यों बह रहा है आज, मतलब इधर से क्लाउड भी आ चुका है, शायद बारिश होने वाला है, मैंने तो वेदर फोरकास्ट देखा नहीं था इसीलिए थोड़ा मौसम ठंडा है, मैं वही सोचूं, नहीं तो सुबह तो काफ़ी गर्मी लगता है। तो पहुँच तो गए हॉस्पिटल, और क्या, बारिश आने दो हमको, क्या रात को खाली लौटते टाइम ना आए, बस वही चाहिए। जल्दी पहुंच गए हॉस्पिटल, पैंट शर्ट साइज कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे गेटअप में आऊँ ना, अच्छे गेटअप में, तो आई नीड टू बी रेडी शेडी होकर चलते हैं डिपार्टमेंट। मतलब वापस अभी घर चलने का टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 8:20 हो गया है टाइम, सो अभी के लिए लेट्स हरी अप घर चलते हैं, और मतलब जल्दी पहुंच के अभी काम भी है, मतलब अभी घर जाके फ्रेश होके आल भी जाऊंगा मैं, फिर जिम सेशन भी है, जैसे भी करके करना ही पड़ेगा, थोड़ा मूड नहीं हो रहा है जाने का, पता नहीं क्यों, पर व्हाट नीड्स टू बी डन हैज टू बी डन। या हॉस्पिटल्स का आज का शिफ्ट देखा जाए तो इतना बुरा नहीं था, मतलब हार्डली देर वर लाइक कितना 6-7 पेशेंट्स रेगुलर इंटरवल में आ रहे थे, पर इट वाज ओके, इट वाज मैनेजेबल। आज सुबह मुझे थोड़ा सिरदर्द टाइप का हो रहा था, सो सुबह 1-2 घंटा सोने का भी टाइम मिल गया मुझको, आके आई स्लेप्ट लाइक मतलब एक ऑरेंज जूस पी के मैं सो गया था काफ़ी टाइम, मतलब 1 घंटे के ऊपर सो गया था, फिर उठा काफ़ी फ्रेश फील हुआ, फिर आई वेंट इनटू यू नो सीइंग पेशेंट्स। तो अभी के लिए लेट्स गो होम, जितना जल्दी हो सके ड्रेस चेंज करके आई नीड टू हरी अप टू गो टू जिम। चलो बाय बाय, अंदर रख लेते हैं, फिर जल्दी से रेडी होकर पहुँच जाएंगे, वापस रेडी हो चला, अभी 10 मिनट लगा, 8:22 को निकले थे हम लोग, सो अभी बजा 8:32, सो 10 मिनट्स के अंदर पहुंच गए, अभी 10 मिनट के अंदर रेडी होके 9 बजे तक जिम पहुंच जाएंगे, दैट्स व्हाट आई हैव प्लान्ड, सो मीट यू गाइस रेडी होके। सो फिर से अगेन बैक ऑन द बाइक टू गो टू जिम, अभी थोड़ा टाइम लेट हो गया यार, मतलब 9 बजे के आसपास हो गया, 8:59 इफ यू कैन सी। अभी जल्दी से जाना है जिम ख़त्म करके वापस आके थोड़ा रेस्ट करके फिर कल सुबह ड्यूटी अगेन, दैट्स हाउ माय लाइफ इज़ नाउ दिस डेज।
इट्स बैड, इट्स हार्ड, पर गोल्स एंड ड्रीम्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं इस बार के लिए. सो नीड टू फोकस ऑन दैट. थोड़ा गाना बजाते हैं फिर चलते हैं. वैसे मैं बोला था ना कि येलो लाइट फिल्टर लगा चुका हूँ मैं, और ऐसा कुछ दिख रहा है रोड. ओह मस्त लग रहा है. ओके टर्न लेके, मतलब ये पूरा अंधेरा जगह है, नो स्ट्रीट लाइट्स, सो दिस इज माय बीम. मज़ा आ रहा है तो चलाने के लिए. आई डोंट नो इफ यू कैन सी प्रॉपरली, पूरा इल्यूमिनेट ही हो जा रहा है रास्ता. मैं एक्चुअली लेफ्ट साइड का लाइट को थोड़ा नीचे रखा हूँ रोड के ऊपर, और राइट को थोड़ा ऊपर आगे की तरफ रखा हूँ, सो ताकि थोड़ा अच्छा डिस्टेंस कवर अप हो पाए. अगर चाहूँ तो मैं इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ, थोड़ा नीचे ही रखा हूँ अभी के लिए. सो अभी के लिए तो इट्स डूइंग वंडरफुल जॉब, मज़ा आ रहा है. नॉर्मली ऐसा दिखेगा अभी ऐसा, सो यू कैन सी द डिफरेंस, परफेक्ट. लेट्स गो नाउ. पहुँच गए, चलते हैं ऊपर और वर्कआउट स्टार्ट करते हैं. काफ़ी लेट भी पहुँचे हैं पर चलते हैं जिम. सो वर्कआउट खत्म हो चुका है, अभी 11 बजने वाले ऑलमोस्ट. सो लेट्स गो होम, अच्छे से कुछ खाएंगे, देन विल हेड टू स्लीप. कल सुबह अगेन ड्यूटी, तो सुबह कार्डियो का भी सेशन है. सो अभी के लिए लेट्स गो होम. ओके सो लेट्स गो होम नाउ. ये डॉगी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ए डॉगी 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 साइड, डॉगी लोग साइड नहीं हो रहा. गुड. ओके सो नाउ लेट्स गो होम. गाड़ी में कुछ तो स्क्रू ढीला है, थोड़ा वाइब्रेशन, जब भी ऐसे रेस करता हूँ थोड़ा साउंड आता है स्क्रू का, मतलब कुछ जैसे कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, जैसे कोई स्क्रू ढीला हो, खच 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 करके साउंड आ रहा है. तो मतलब अच्छे से बाइक को चेकअप करवाना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि अभी कल तो नहीं दे सकता कि परसों शायद जाके सैटरडे दे सकता हूँ एक दिन के लिए. उस दिन कार भी देना है मुझको रिपेयर के लिए, तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, देखना पड़ेगा. वैसे ये सब मेरा पुराना एरिया है, यहाँ पर पहले रहा करता था मैं, यहीं पास में. ये रोड तब पूरा छोटा होता था, ये पास में रहा करता था मैं, और ये लेफ्ट साइड है हमारा पुराना स्कूल, वो रहा ODM पब्लिक स्कूल, अंधेरा में है. यहाँ हमारा 2 साल के ऊपर बीता है, और ये जगह तब बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ था, अभी पूरा डेवलप हो चुका है. और हमारा घर इसके पीछे हुआ करता था, ये जो एक कोर्टयार्ड है इसके पीछे हमारा घर हुआ करता था, क्रिस्टल क्राउन. सो दैट्स इट, कुछ पुराना इतिहास. अभी मैं अलग रोड में आ रहा हूँ, मेन रोड में, क्योंकि वो जो पीछे वाला रोड है वो मतलब यू नो रात का टाइम है 11 बजे के आसपास, तो इट्स बेटर टू गो ऑन द मेन रोड. वैसे भी ट्रैफिक कम होगा, होपफुली ट्रैफिक कम होगा बोला, आगे इतना बड़ा ट्रक है और ट्रैफिक है अभी भी. सो चलते हैं घर आराम से धीरे धीरे. सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी के लिए बैग बन चुका है, और टुडे इज न्यू डे. आज है 22 अप्रैल 2022, और आज है फ्राइडे, और आज मैं बाइक से जा रहा हूँ क्योंकि कार अभी तक मेरा रिपेयर नहीं हुआ है, तो मुझे कार लेने का मन नहीं है बिल्कुल भी. अभी के लिए बाइक वार्म अप कर दिया हूँ, गेट भी खोल लिया हूँ, अपने साथ मैंने लैपटॉप बैग अपना पकड़ा है, और इसके साथ ये पकड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पर टिफ़िन वगैरह सब रहता है मेरा, तो काफ़ी हैंडी हो जाएगा. तो अभी के लिए इट्स ऑलमोस्ट 8:40 हो गया है, तो आई नीड टू हरी अप क्योंकि टाइमिंग, फ्यूल ड्राइव थोड़ा कम दिखा रहा है, रात को शायद भर्ती करूँगा. अभी के लिए चल जाएगा, लेस देन 60 किलोमीटर्स है, मोर देन एनफ फॉर टुडे. सो फॉर नाउ लेट्स गो. सो आज भी वैसे ही मौसम है कल की तरह, थोड़ा बहुत क्लाउडी है, और अभी के लिए चलते हैं ड्यूटी. मतलब गर्मी बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली, जब भी बाइक चला था तभी अच्छा लगता है, वरना बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लगता. होपफुली अभी मतलब इस टाइम में इट्स ओके, इट्स फाइन, इसलिए संडे राइड्स वगैरह भी सोचने के लिए मुझे डर लग रहा है. हाँ लो फील का सिग्नल तो दिखा ही रहा है 2 दिन से,
120 के अंदर आने के बाद से लोगो फ्यूल का सिग्नल दिखाने लगता है। अभी मतलब 120 फ्यूल रेंज में और क्यों तेल भर्ती करूँगा। सो फॉर नाउ लेट इट बी। अभी के लिए कल शायद ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर के आसपास चलाया हूँ, तो अभी के लिए फ्यूल रेंज लेस देन 60, जो कि आज के लिए तो आराम से चल जाएगा, नो इश्यूज विद दैट। यहाँ पर तेल भर्ती करके कल आके सो अगेन बैक इन द हॉस्पिटल, इसको निकाल लेते हैं और देन ऊपर चलते हैं। बेसमेंट में हूँ, B1, यहीं पर तो पार्क होता है अपना बाइक सब, इससे नीचे वाले में कार सब, स्पेशली कार से पार्क होता है। ये मैं कब से लगा के रखा हूँ पता है, जब से मैंने पहली बार इंस्टॉल किया था तब से लगा के है, तो काम ही आ रहा है काफ़ी अच्छे से मुझे। हमेशा लाइक वीकली वंस और ट्वाइस तो काम ही आता है, तो बार बार क्यों निकालूंगा, बार बार क्यों लगाऊंगा। सो इट इज़ द जॉब नाइसली जिसके लिए चाहिए। एक ही चीज़ मुझे एडवेंचर बाइक्स में ज़्यादा पसंद है कि यू कैन डू मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू योर विल, अकॉर्डिंग टू योर मतलब जो भी आपको प्रेफरेंस है उसी हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। बढ़िया ना, कितना मस्त, अपने चॉइसेस अपने सब मतलब पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। दैट्स माय बाइक, लेट्स गो नाउ टू ड्यूटी। अभी के ऑलमोस्ट 1:30 हुआ है और मेरा टिफिन आ गया है। एक्चुअल मुझे काफ़ी भूख लग रहा था क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। सुबह सिर्फ क्या खाया था यार, ऑरेंज जूस और प्रोटीन पाउडर से ही पिया था, मतलब कार्ब्स बिल्कुल ना के बराबर। और अभी के लिए टिफिन है, इसमें सलाद, इसमें चिकन, इसमें किसी का रोटी और इसमें कुछ क्या है, साग दिए थे मम्मी ने शायद, अभी मैसेज किया था मम्मी ने, ये रहा साग। तो आज ये मेरा खाना होगा, चलो खाते हैं, भूख लगी है काफ़ी ज़ोर की। तो मैंने टिफ़िन निकाल लिया, यहाँ पर 3 रोटी और एक रोटी, मतलब टोटल 3 रोटीज़ है। यहाँ पर थोड़ा साग निकाल लिया, ये मेरा सलाड है, काफ़ी हेल्दी अमाउंट ऑफ सलाड है, और ये रहा मेरा चिकन। सो दैट्स माय मील। आज पेशेंट देख देख के हालत ढीला हो गया पूरा, सबको ही टायर्ड, मैं तो सुबह से ही देख रहा हूँ, ज्योति सर और मैं चल रहा है तब से कंटिन्यूस, बहुत टायर्ड यार। सो 6 बजे ऑलमोस्ट और ये रहा मेरा सेकंड दिन भर का ऑरेंज जूस, और उधर पेशेंट देखा भी चल रहा है सब कुछ, बट आई एम हंग्री। वैसे पता नहीं क्यों इतना टायर्ड लग रहा है, बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है यार, मतलब क्या बोलूँ, इतना पेट दर्द हो रहा है, बॉडी इतना एक हो रहा है, गॉड नोज मैन, इतना टायर्ड मुझे बहुत दिनों के बाद लग रहा है। सो अभी के ऑलमोस्ट 6:15 हो गए हैं, सो पर कम ही टाइम बचा है, पर अभी भी काफ़ी पेशेंट्स का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। सो होपफुली जल्दी ख़त्म करके, अभी मैं डबल यू नो सोच में आ गया हूँ कि आज जिम जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, क्योंकि इतना टायर्ड लग रहा है। अगर हाफ एन आवर मुझे चांस मिल गया सोने का तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला तो देखते हैं, क्योंकि कल परसों भी छुट्टी है, सो आई कैन मैनेज दैट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स डू व्हाट बॉडी नीड्स। तो ख़त्म हो गया मेरा आज का डे, अभी पैकिंग भी कर चुका हूँ बैग में, इधर टिफ़िन रखा हूँ मैं, एक्चुअली टिफ़िन जो कि मेरा आता है स्विगी से मम्मी की तरफ से। तो अभी के लिए लेट्स गो होम, मतलब घर ही जाऊँगा, आज मैं जिम जाऊँगा नहीं, क्योंकि आई मीन बॉडी काफ़ी टायर्ड लग रहा है मुझे, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड लग रहा है। सो बेटर टू स्टे होम टू नाइट, मतलब टुडे, हाँ टू नाइट वे कह सकते हैं। सुबह थोड़ा कार्डियो किया था 30 मिनट्स का, अरे बॉडी इतना टायर्ड लगेगा तो करूँगा कैसे मैं यार, मतलब होल डे तो पेशेंट्स, मतलब फ्लो तो कंटिन्यूस चल ही रहा था, बहुत पेशेंट्स थे, बहुत मतलब बहुत, और दैट वाज इट। और उसके साथ ही इतने पेशेंट्स देख देख के ऊपर से इतना टायर्ड लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, आई मीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक लग रहा है, फिर भी कंटिन्यूस डे शिफ्ट ऐसा ही होता है, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट, पर अभी के लिए लेट्स गो होम, थोड़ा रेस्ट लूँगा, कल
पर कल आई विल मेक इट अप टू मेक इट यू नो राइट, क्योंकि कल मैं दो बार जिम जाऊंगा, सुबह जाऊंगा शाम को जाऊंगा। सो एक्चुअली एक छोटा सा पार्सल था मेरा, एक्चुअली जो आया था मेरे एंट्री गेट में था, मेरे मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड लोग रहते हैं सब रख देते हैं मेरे पार्सल सब, तो वहाँ से लेके आ रहा था फिर से एग्जिट गेट से निकल के फिर एंट्री गेट घुस के लेके आया। कुछ था मेरे मतलब खाना था, तंदूरी चिकन था और चिकन चटपटी घर के लिए, उनको अच्छा लगता है यहाँ आसपास में मिलता है। जो हमारा गो फूडिसन जगह है सम हॉस्पिटल का सामने ही, वहाँ पर काफ़ी मस्त वाला देता है। डू राइट, ये लोग को देखो यार, कुछ पता नहीं होता है इन लोगों को कहाँ जाएंगे, राइट लेफ्ट इंडिकेटर नहीं कुछ नहीं, जिधर मन किया उधर रख लो, जिधर स्लो करना है कर लो। दे डू नॉट केयर अबाउट मतलब जो भी पीछे आ रहा हो या फिर आ गया, दे डू नॉट केयर, ऐसे एक्सीडेंट सब होता है मोस्टली। सो चलो छोड़ो वो बात, कोई नहीं, लेट्स नॉट यू नो, अभी थोड़ा मुझे रिलैक्स लग रहा है क्योंकि अभी के लिए मेरा स्ट्रेस नहीं है, आज जिम नहीं जाऊंगा मैं, आई हैव थॉट ऑफ इट, अभी जाके मस्त में रेस्ट करूंगा क्योंकि कल मुझे कार को रिपेयर करने के लिए भी देना है, कल सैटरडे है और कल कार रिपेयरिंग डे भी है, सो इट्स गोइंग टू बी टफ। तो मतलब छुट्टी के दिन भी मुझे छुट्टी नहीं मिलता, मतलब खुद को टाइम नहीं मिलता लगता है ऐसा कभी कभार, पर कोई नहीं, दैट्स जस्ट हाउ लाइफ इज़ राइट नाउ, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट मैन, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स गो होम। चलो मिलता हूँ गाइस बाद में, बाय बाय। सो होम स्वीट होम हम लोग पहुँच गए आफ्टर अ वेरी स्ट्रेसफुल डे। ओहो